हाय गर्ल्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि 4:30 शार्प मैं आपके पास आ जाऊंगी टू टीच यू द लेमन राइस और द टैमरिंड राइस। आज मैं आपको सिखाऊंगी लेमन राइस। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि द मैजिक ऑफ द ब्लैक सीरीज, जो दीक्षा इन बार 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 मैम ये बोल रही थी, दिस इज अ ब्लैक सीरीज एंड द कैपेसिटी इज 7 लीटर्स। और ब्लैक सीरीज के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप लोग, तो ये है एटीना कोटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड इट्स ट्वाइस स्ट्रॉन्गर देन द स्टेनलेस स्टील। और तो और इट हैज अ कैस्ट हॉलो हैंडल एंड इट इज सेफ टू हैंडल एंड इट इज हॉट व्हेन हीटेड अप। जब आप गर्म चीज़ को पकड़ते हो तो आपका हैंडल्स बिल्कुल गर्म नहीं होता। इट हैज़ अ कंपैटिबिलिटी विद ऑल दी कुकिंग सर्फेसिस। जैसे मैंने पहले भी कही थी कि कितनी कितनी टेम्परेचर्स और फॉरन हीट में हम कन्वेक्शन मोड पे भी रख सकते हैं इन दी माइक्रोवेव्स एंड इन दी ओवेंस टू। नॉट ओनली दैट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये प्रोडक्ट जो है हमारी माइक्रोवेव के अंदर जा रही है और ओवन के अंदर जा रही है एंड इट इज़ ऑल्सो ईजी टू क्लीन। नॉन वेजेस के लिए जैसे हमारी फिश हो गया, हमारी चिकन हो गया, जैसे ऑलरेडी उसमें अंदर फैट कॉम्पोनेंट होता है, उसको अच्छी तरह से आप इसके अंदर हार्ड एनोडाइज जो हमारी प्रोडक्ट है, जो हमारी ब्लैक सीरीज है, उसके अंदर विदाउट ऑयल आप इसको रेसिपी को बना सकते हैं। सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर गर्ल्स? जैसे मैंने आपको कही थी कि आपको मैं लेमन राइस सिखाने वाली हूँ, सो हियर कम्स अ लेमन राइस टू मेक द वर्क वेरी इजी। मैंने पहले ही कहा क्या किया था दीक्षा, मैंने 1 kg ऑफ बासमती राइस जो है मैंने बनाया था, इसमें मैंने डाला था वाटर, ठीक है, वाटर इज जस्ट डबल, ओके, ठीक है, और इसमें मैंने 10 मिनट मैंने सोक करके रखी चावल को, ओके, और इसके अलावा हमने एक और चीज़ क्या डाला इसमें, थोड़ी सी नमक भी डाल के रखा, ओके, और ये पीला पीला जो आपको नजर आ रहे हैं, हाँ जी, दिस इज नथिंग एल्स देन हल्दी, ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डाल के इसीलिए रखी थी इस प्रोडक्ट में। और चावल जो है हार्ड टू हार्ड हमारी 8-10 मिनट के अंदर हमारी चावल पक चुकी है, ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चावल ना नीचे कहीं पे पकड़ा है, हाँ जी, ना चावल की जली हुई स्मेल आ रही है, बिल्कुल, आपको बिल्कुल, ठीक है, और खिला खिला चावल और खिला खिला चावल बिल्कुल बनी है जी। अब मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने आपको कही थी कि हाँ मैं लेमन राइस आपको सिखाऊंगी, हाँ, और लेमन नहीं है तो इमली का पेस्ट आप लोगों को यूज करनी है, ओके, तो आप इमली का पेस्ट भी यूज कर सकते हो, ओके, तो जिस क्योंकि हमारी चावल तो बन चुकी है, हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, इस चावल को ढक के हम इसको ऐसे रखेंगे। इमली चावल के लिए क्या क्या चाहिए, हाँ जी, लेमन राइस के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए चाहिए हमारे लिए खड़ी पत्ता जो हमारी लेमन बोल में हमने निकाल के धो के रखे थे, और तड़का के लिए हम लोगों को चाहिए सूखा लाल मिर्च, छन्ने दाल, चना दाल, काजू, सरसों, ओके, एंड जीरा, साबुत जीरा, ये सारे चीजें मैंने इसमें मिला के रख दिया। आपने सब कुछ इकट्ठा मिक्स कुछ करते करके रख दी, okay, और इस बाउल में जो हमारी है घी भी है, और इस पे सर्विंग बाउल में हमने एक और क्या किया है, इसमें हमने सारी मसालास, जैसे जीरा पाउडर हो गया, आपका आमचूर हो गया, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी नमक, जीरा, धनिया, आमचूर, ये सारी चीजें मैंने मिला के रख दिया है। और तड़का के लिए एक और चीज चाहिए, हींग, यस मैम, हींग के बिना स्वाद तो आएगी नहीं, हींग भी हमारे लिए शरीर के लिए ही उतनी ही जरूरत है। और इसके लिए एक और चीज है जो हमने स्मार्ट चॉपर में स्मार्ट वे पे चॉप करके हमने हरी मिर्च और धनिया को भी रख दिया था। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी तिल का तेल, अब हमको पता है कि कौन सा मौसम है, विंटर की मौसम है, हाँ जी, और विंटर में हम जितनी तिल कंज्यूम करेंगे, हाँ जी, उतनी ही हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, जब भी आपको बैक पेन्स और ये सारी चीजें होते हैं, छोटा सा गुड़ का पीस लेना, गुड़ का, ओके, छोटा सा, और तिल के तेल को आप उसमें डाल के और गुड़ को आप उसको खाते रहना, थोड़ा सा आपका बैक एक्स और जोड़ा आपका घुटनों में दर्द
ये धीरे धीरे करके कम होते जाएगा। ओके, अब आगे अब इसमें क्या डालना है मैम? इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। अच्छा, तिल के साथ घी भी? घी भी। ओके, ठीक है। तड़का के लिए, क्योंकि चावल जब आपको किला किला बनानी है, हाँ जी, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा घी भी डालोगे आप। ओके, हमको पता है घी बहुत मस्त है, क्योंकि वो चावल का स्वाद जो है वो घी से आती है। और तिल का तेल मैंने इसीलिए लिया था, तिल का तेल जो है हमारी इसके अंदर, हमने तिल का तेल इसीलिए डाला था क्योंकि ठंड का मौसम है, तो तिल जो है आपके लिए बॉडी पेन्स हो इन चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, एंड इट कीप्स योर स्किन वेरी वेरी मच ग्लोइंग। और कहता है कि एक टाइप की ऑयल बार बार यूज़ नहीं करना है, आपको हमेशा अलग अलग टाइप की ऑयल यूज़ करनी है, सो दैट योर बॉडी डजंट फैटन। तो हम दो तेल दो मिक्स कर सकते हैं। आप सरसों को किसी चीज़ से कभी भी मिक्स नहीं करना। अब मैंने क्या किया, तड़का के लिए काजू हो गया, हमारी छन्ने दाल हो गया, और इसमें मैंने जीरा, सरसों और ये सारी चीज़ें डाली तड़का के लिए, मिक्स करके रख लिया है ताकि हमारी जो है, और सूखा लाल मिर्च, आप ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो चना दाल को उबाल के रखा है? ऐसे चने दाल को आप भिगो के रख दो, ठीक है। इन केस आपके पास टाइम नहीं लगा तो चने बिल्कुल सॉफ्ट वाली चने मिला तो आप डायरेक्टली तड़का में डाल सकते हो, ठीक है। और आप इस चीज़ को देखना, आप मैं कोई हैंडल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। जैसे 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 ये दाल और ये तड़का अच्छी तरह से पक जाएगी, मैं एक सेकेंड के लिए मैं इसको ढक रही हूँ। ये हमारी ग्लास है, ठीक है, ये टफन ग्लास है। ये टफन ग्लास की वजह से क्या है कि जो हमारी हीट जो बनी है और वो बिल्कुल अंदर की तरफ जो हीट जो है वो इक्वल फ्लो होती है। और ये हैंडल है, ये बिल्कुल आप हैंडल जैसे नॉर्मली आप खाना बनाते तो आपको ग्लव्स वगैरह पकड़ना पड़ता है, बट ये वाली जो है हैंडल, इट हैज़ अ हीट रेसिस्टेंट। ये जो हमारी हैंडल्स है ये भी गर्म नहीं होता। पहले दो मिनट पहले हमने इंडक्शन में बनाया था और यही चीज़ ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम इन द इंडक्शन मैंने अभी गैस पे रखा है। और ये जो हमारी ब्लैक सीरीज है, इट गोज ऑन ऑल द फोर थिंग्स, लाइक इंडक्शन भी हो गया, आपकी गैस के ऊपर भी हो गया, सेरेमिक के ऊपर भी हो गया, और इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी हो गया। तो चारों चीज़ में आप खाना पका सकते हो अच्छी तरीके से, कम ऑयल में और कम उसमें। कभी ऑयल भी नहीं चाहिए ना, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह हो गया, ऑलरेडी उसके चीज़ होता है। और पिज़्ज़ा भी आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, और केक भी बहुत है। ये हार्ड एनोडाइज्ड है। ये हार्ड एनोडाइज्ड का मतलब इसके अंदर जो एल्यूमिनियम का एक फैक्टर है उसको क्या करती है कि वो खाना को अच्छी तरह से इक्वली पकाती है। जैसे आप ये तड़का देख रहे हैं, ठीक है, ये टिक 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 आवाज़ आ रही है आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये तड़का को धीरे धीरे इसको हिलाते रहेंगे ताकि जब आपका जो काजू है, ये काजू भी बहुत अच्छी तरह से ब्राउन होनी है, ठीक है। और आपको धीरे धीरे स्मेल भी आ रही होंगी इसमें, ठीक है। देसी घी और तिल के तेल की दोनों मिक्स स्मेल आ रही है। और ख़ास आज की डेट पे ना, सब लोगों को देसी घी भी लेनी चाहिए और तिल सबसे ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। और आप पीनट का भी कंज्यूम कर रहे हो ऑयल, कीप एवरी डे यूजिंग अनदर ऑयल, जैसे पीनट ऑयल कभी यूज़ कर लिया, कभी आपने तिल का तेल कभी यूज़ कर लिया है। अब मैं कोई करछी यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। आई एम एंश्योरिंग, आई एम होल्डिंग दी हैंडल्स विथ नो फियर, मुझे डर भी नहीं लग रहा है। आप देखा, मैंने भी छुआ, ठंडा ही है। ठंडा है बिल्कुल। और आप एक और चीज़ इसका ध्यान दिया आपने, बिल्कुल नीचे जो आपकी बेस है उसमें बिल्कुल पकड़ भी नहीं रही है। हाँ, नहीं पकड़ रही, वो तभी मैंने पूछा आपसे कि ये नॉन स्टिक भी है। हाँ, ठीक है, ये नॉन स्टिक, हाँ, ये हार्ड एनोडाइज्ड है, उसी से ये फिर स्टिक नहीं करता। हाँ जी, हम हर प्रोडक्ट के साथ आपको ऐसे एक हैंडआउट भी दे रहे हैं। और ये हैंडआउट से क्या है, आपको किस तरीके से यूज़ करनी है, उसकी फीचर्स क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या है, उसकी केयर क्या है, आपको किस तरीके से यूज़ करनी है, इसमें सब कुछ लिखा है। और ब्लैक सीरीज की खासियत क्या है, जैसे ये हमारी ये फीचर है, सबसे बड़ा फीचर है PFOA फ्री, ठीक है। आज की डेट पे कहते हैं,
ये PFO फ्री ये एक एलिमेंट है जिसमें हम खाना भी पकाते हैं तो लोगों को डर लगता है जैसे कोटिंग्स निकल गया ये निकल गया, तो इसमें से ये कोटिंग का भी बिल्कुल डर नहीं है, ये कोटिंग बिल्कुल नहीं लिखती। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम हींग भी डालेंगे। पहले मैं हींग इसीलिए डाल रही हूँ आपको, ओके। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ इसमें खड़ी पत्ता। हींग को आप अच्छी तरह से मिक्स करिए, ठीक है। अब हम खड़ी पत्ता खूब डालें, साउथ इंडियन रेसिपी में ना बिना खड़ी पत्ता, ठीक है। अब आपने हींग का भी फ्लेवर उठी है, खड़ी पत्ते का भी उठा है, आप इसके अंदर मूंग दे तो ये पक्का है, बुक करो भाई, है ना। आपको अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको पता है रंजू जी, इस समय आपके एक स्कीम भी है। अच्छा, आप ये दो ले रहे हो तो एक लीड आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, है ना, एक और लीड भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक लीड आपको वैसे ही फ्री हो गया, अरे वाह, ठीक है, तो एक साथ एक लीड फ्री, हाँ, और फिर एक लीड आप वैसे भी ऑर्डर कर सकते हो। और एक और चीज है, जो आप ये दो सेट्स ले रहे हैं, दोनों पीस ले रहे हैं, उनको ये 6 पीसेस भी मिलने वाले हैं, अरे वाह, कीप टैप का, ठीक है। ये हमारी रेफ्रिजरेटर की प्रोडक्ट है और ये एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, ओके। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज और बताना चाह रही हूँ कि जैसे अब ये तड़का बन गया, ठीक है, इस तड़का में हम क्या क्या डालेंगे मैं बताती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे, अब ये जो हमने अपने चॉपर में हरी मिर्ची और धनिया ये सारी चीज़ें हमने काट के रखा है, ठीक है। हरी मिर्ची और धनिया काट के इसीलिए रखा था ताकि जब हम इसको ऐड करेंगे इसका टेस्ट तो और अच्छी तरह से उठेगी, ओके। ये हमारी स्मार्ट चॉपर है, थोड़ा सा भी इंग्रेडिएंट को आप अच्छी तरह से चॉप करके रख सकते हैं आप। टिल द लास्ट ड्रॉप आप हर एक चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई भी चीज आपका चीजें वेस्ट नहीं होता। और ये चॉपर का ये वाला भी ढक्कन आप खोल के अच्छी तरह से सील कर सकते हो। ये आप बताना रंजू जी, ऐसे निकालते थे, ये मैंने सीखा था मैम से, जब मैंने पहली बार परचेज किया तो मैम ने बताया था मुझे, तो मेरा नीट एंड क्लीन अंदर से ऐसे ही वॉश रहता है। इसको फिर ड्राई करके हम वापस इसको फिट करके कर सकते हैं, फिट करके आप इसको रीयूज कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर मैंने क्या किया रंजू जी, इसमें मैंने बहुत चीज़ें मिक्स किया है, धनिया हो गई, हमारी जीरा हो गई, हमारी नमक हो गई, ठीक है, और अमचूर, ये सारी चीज़ें मैंने जितनी मैंने 1 किलो चावल के लिए 1 स्पून टेबल स्पून ये वाला जो है टी सारा लिया था मैंने, क्योंकि चावल में है ना आमचूर भी डलेगी, अच्छा, और इस चावल में और लाइम जूस भी डलेगी, ये चीज़ हमेशा याद रखना। थोड़ा सा आमचूर से क्या होगी, जितनी हम लाइम को डालते हैं और ये चावल में जब हम इसको मिक्स करके डाल देते हैं ना तो बहुत ही अच्छा स्वाद बनती है। और साउथ में जितना भी हमारी फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हमारी पोंगल हो गया, आपका जो लोहड़ी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर भोगी बोलते हैं, ठीक है, और जैसे दिवाली हो गई, और मेरे नेबर्स भी बहुत इंतज़ार करते हैं। और अब मैं क्या करूँगी, ये सारी जो तड़का की इंग्रेडिएंट्स हैं, चावल हमने लिया, ओके, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसीलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पहले थोड़ा सा। अगर माधवी हमारे पास ये दोनों पैन होंगे, मेरे पास, हाँ, तो मेरे लिए एडवांटेज ये रहेगा कि किसी को लाइम राइस पसंद है और किसी को नहीं, तो एक ही बारी में बना के मैं इस तरह से भी कर सकती, इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि ताकि जितनी आपको लाइम राइस के लिए बनानी है तो उतनी आपने लाइम राइस के लिए लिया, और जितनी आपको वेज बिरयानी बनानी है, जैसे मैंने ये तड़का डाला है
उसी तरीके से वेज का भी तड़का बनाओगे और इसमें डाल दोगे, ताकि क्या है एक ही दो कंटेनर्स में दो डिशेस आपकी बन चुकी है। पहले आप वेजिटेबल को स्टिर कर दोगे, उसके बाद इसको बना दोगे, नहीं तो पहले आप इसको बना दोगे बाद में वेजिटेबल्स को स्टिर कर दोगे। तो एक तो पैसा भी आपने वेस्ट नहीं किया, दूसरी आपका खाना भी घर पे बन गए। और आजकल सब कहते हैं ना घर के खाना होना चाहिए, घर के खाना होना चाहिए। मुझे लगता है कि कंपनी ने इसीलिए साथ में ये फ्री दिए हैं कि हम एक बार ही राइस बनाएं और उसको पार्टली कभी लाइम राइस कभी फ्राइड राइस उसी में से निकाल। अब आपने देखा मैंने रहे और रख ले। यस, और आपने ये नोटिस किया मैंने हैंडल को अपने हाथ से पकड़ा है, मैंने कोई नैपकिन यूज नहीं किया। तो रंजू जी अब आप देखना इसको हम क्या करेंगे, ये मिक्सर को इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। सब वेट कर रहे थे, मैम आपने पहले बना लिया होता ये, हम पहले दोपहर को ही खा लिया होता ये, ठीक है। सो एवरीबॉडी वाज एंशियसली वेटिंग फॉर दिस डिश। और जैसे मैंने कहा था नींबू की लाइम राइस, ठीक है, टॉपिंग में आप थोड़ा सा नींबू को ऐड कर दें। नींबू होना चाहिए जितना आपको खटाई चाहिए, क्योंकि है ना हमने ऑलरेडी भी खट्टा आपने खट्टा ही डाला था, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे साउथ में है ना वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ खटाई का, ये सारी चीज़ें हमको बहुत पसंद है। वहाँ पे रसम खटाई से बनती है, फिश हमने बनाए तो उसमें भी हम खटाई डालते हैं, चिकन हमने बनाए तो उसमें भी हम खटाई डालते हैं, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग द रेसिपी और हम ये खटाई को बनाते ही रहते हैं। तो खटाई जो है बहुत चीज़ें में, जैसे कई बार मैं लेमन फिश बनाती हूँ, कई बार मैं लेमन चिकन बनाती हूँ, ये सारी चीज़ें जो है ना एवरीबडी लव्स टू हैव दैट डिश। तो मेरे बच्चे भी बोलते हैं मॉम आज है ना लेमन फिश बनाओ, तो मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ क्योंकि हर बच्चे को तो खाना पकाना आना चाहिए, और सो दैट कि वो कहीं पे भी है दे कैन कैरी द स्मार्ट प्रोडक्ट्स एंड दे कैन कुक फॉर देमसेल्फ। ये मेरे डेस्क मग में चाय था, ठीक है, दोपहर को मैंने जब रेसिपी करने से पहले मैंने चाय डाली थी। अरे वाह, ये तो अभी भी धुआं निकल रही है इसमें से। ये देखो डेस्क मग है तो आपका काम भी आसान है, you can keep yourself refreshing all the time and you can make wonderful dishes back at home. Energy booster bhi hai mera. So what are you waiting for, girls? Pre-book your orders for this wonderful product called the Black Series. Very soon we are coming back on action on 6th of November with a new recipe to all of you, how to make dum biryani. I am awaiting for more orders from my people too, jo abhi confirmation aana hai. So it's all and every kitchen needs it, and Dhanteras ka time hai. So what are you waiting for? Buy, join us or place your orders and join us and pre-book your orders with this mine and take those 6 pieces absolutely free. So Dhanteras aapke ghar pe bhi hai, आपका हस्बैंड ने आपको धनतेरस के लिए गिफ्ट किया है, जिंदगी भर आप अपने पतियों के लिए भी आप गिफ्ट करोगे हेल्दी खाना कुक करके। सो आई एडवाइस यू ऑल टू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे चॉप एंड चॉप इन दिस ब्यूटिफुल प्रोडक्ट्स, चॉप 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 एंड कुक हेल्दी इन आर ब्लैक सीरीज एंड get these wonderful products absolutely free. So awaiting for your, what is the capacity of the black series of this product and what is the capacity of the black series of this product? So ping me on Tupperware India Teja Party Sales at 9810234124 or at 0129410942. You can come visit our office and take the live recipe from us on 6th of November, how to make dum biryani in this wonderful product, and take the keep tab 6 pieces absolutely free. Catch you soon.